चुनाव खत्म होते ही चुनावी रंजिश में बदमाशों की बंदूकों ने आग उगलनी शुरू कर दी है। आलम अब यह हो गया है कि बेखौफ बदमाशों ने यूपी के अमेठी में पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी के करीबी व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। मामला अमेठी की सांसद से जुड़ा हुआ है, इसलिए घटना की गंभीरता को भांपते हुए पुलिस ने भी ताबड़तोड़ दबिश देकर कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस घटना को चुनावी रंजिश न मानकर अन्य पुरानी रंजिश की बात कर रही है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में स्मृति ईरानी के करीबी कार्यकर्ता और चुनाव प्रचार में अक्सर उनके साथ दिखाई देने वाले बीजेपी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सुरेंद्र सिंह स्मृति ईरानी की जीत का जश्न मनाकर घर लौटे थे, तभी कुछ अज्ञात बदमाश उनके घर पहुंचे और उन्हें गोली मार दी। इस घटना के बाद बरौलिया इलाके में कोहराम मचा हुआ है। सुरेंद्र सिंह उस बरौलिया गांव के पूर्व प्रधान भी थे, जहां चुनाव प्रचार के दौरान स्मृति ईरानी ने जूते बांटे थे। गोली लगने के बाद सुरेंद्र सिंह को लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। मृतक के बेटे अभय ने बताया कि वह काफ़ी मिलनसार थे और वह किसी से डरते भी नहीं थे। मृतक के बेटे ने चुनावी रंजिश में वारदात को अंजाम देने की बात कही है। साथ ही मृतक के बेटे ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की भी मांग की है। ऐसे में जब भी वो इलाके में आती थी तो ग्राम प्रधानों पूर्व प्रधानों को बुलाकर उनके साथ जनसंपर्क करती थी। उन्हीं पूर्व प्रधानों में से एक थे सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह स्मृति ईरानी की जीत की खुशी में गांव में जश्न मना रहे थे, तभी उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। केंद्रीय मंत्री के करीबी पूर्व प्रधान की हत्या के पीछे की वजह क्या है, यह अभी पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया, लेकिन चुनावी रंजिश में हत्या की आशंका जरूर जताई जा रही है। लोकसभा चुनाव में काफ़ी मेहनत की थी, जिसका परिणाम है दीदी जो है 55,000 वोटों से जीती। हमारे यहाँ तीन बूथ है, तीनों बूथ को मिला के 726 वोटों से जीती। पहली बार ऐसा हुआ कि बड़ौलिया में जो है संपूर्ण बहुमत उनको मिला, ठीक है। तो उसमें ये अभी हुआ, उसके बाद हम लोग कल गए थे बारात से लौट के आए तकरीबन 11 बजे। तो हम लोग लेट गए थे तो फायरिंग की आवाज़ सुनाई पड़ी। तो हम लोग आए देखे तो ये बेड से नीचे गिरे हुए थे और काफ़ी ब्लड नीचे फैला हुआ था। लखनऊ से जनमत न्यूज़ के लिए विनय मिश्रा की रिपोर्ट।